देखें, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एनसीईआरटी बुक के अनुसार मनोविज्ञान चैप्टर है, 2018 के क्वेश्चन है, 2021 के मॉडल के लिए तैयार है। अब इनके क्वेश्चन मनोविज्ञान में देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया कि बच्चों को छोड़कर ये क्वेश्चन है, इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर यही है, बच्चों को छोड़कर ये सभी लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, समाजीकरण में, ट्यूशन में, मीडिया में, किस में? तो ये होगा क्वेश्चन सी सही, ट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन संख्या दो, क्वेश्चन संख्या दो दिया गया है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसका है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत किसका है, क्या कहता है? तो ये कहता है बुद्धि का कई प्रकार की हो सकती है, पेंसिल परीक्षण हो सकता है, प्रभावी अध्ययन हो सकता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। इन चारों विकल्पों में विकल्प आपका सही है, बुद्धि कई प्रकार हो सकती है। क्वेश्चन संख्या ये है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन संख्या तीन, तीन में दिया मानकृत परीक्षणों की आलोचना में एक है, मानकृत परीक्षणों में एक है, विकल्प आपका है उनके भाषा को समझना, परीक्षण की बड़ी आकार पर लागू करना, बच्चों की क्षमता को स्पष्ट करना, वे मुख्य धारा। क्वेश्चन संख्या डी इसका सही है, वे मुख्य धारा में मानकृत होना। क्वेश्चन संख्या फोर है, क्वेश्चन संख्या फोर में दिया गया है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है, किसमें? बच्चों के सीखने की जरूरत को जानने में, अवधि और अंतरालों में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि में। तो किसमें हो सकता है? तो इसका आंसर ए सही है, बच्चों की सीखने की जरूरतों में। क्वेश्चन संख्या ये सही है, बच्चों की जो आवश्यकता होती है उसी को ये लोग सीखते हैं, तो यही आ सकता है। क्वेश्चन संख्या पांच, पांच में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं का क्वेश्चन है, से संबंधित नहीं है। क्या इसमें नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अभिन्न अंग है, सही है, विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है, सही है, बच्चों में धीमे खराब बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने का उपयोग। क्वेश्चन संख्या सी सही है, बच्चों को खराब मंद बुद्धि, ये क्वेश्चन आपका सही होगा 18 क्वेश्चन में।
क्वेश्चन संख्या आपका सिक्स है। क्वेश्चन संख्या सिक्स दिया गया है, बच्चों में प्रतिभाशीलता, बच्चों में प्रतिभाशीलता, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकते हैं क्या है? पहला में दिया गया संसाधन समृद्ध वातावरण, सफलता माता पिता, अनुशासित दिनचर्या। ठीक है, तो इसमें आपका डी सही होगा, आनुवांशिक वातावरण, आनुवांशिक एवं वातावरण, इस पर ये जो है बच्चों में प्रतिभाशीलता के गुण जो होते हैं वह आनुवंशिक के गुण, माता पिता के लक्षण, और साथ साथ जैसा वातावरण होता है उस वातावरण में बच्चे घुलते घुलते हैं। तो ये राइट क्वेश्चन हुआ डी। सातवां क्वेश्चन दिया गया था, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठ से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। देखें, सामाजिक एवं, क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? भाषा का उपयोग, बच्चों के उनके क्षमताओं में, अच्छा व्यवहार में। तो क्या होता है? इसका क्वेश्चन सही है ए, ये है सांस्कृतिक एवं भाषा ज्ञान। इस क्षेत्र में जो है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक और भाषा ज्ञान जो है मुख्य कार्यवाहक है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या आठ आता है। क्वेश्चन संख्या आठ में दिया गया है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर है। क्या है? अतिरिक्त समय दिए जाने पर, प्रति स्नेही होने का नाते पर, बच्चों को पढ़ाने में जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन पर। तो देखें, सृजनात्मक एवं, क्वेश्चन दिया गया है सृजनात्मक एवं प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चे किस पर आधारित होते हैं? तो यह जो है आपका डी सही है, प्रेरक एवं शिक्षा। आप ये जो है क्वेश्चन आपका आंसर होगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन, यानी प्रेरक एवं शिक्षा में शिक्षक द्वारा द्वारा निर्देशन, निर्देशन पर आधारित होता है। क्वेश्चन संख्या नाइन, क्वेश्चन संख्या नौ दिया गया है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए क्या जरूरी है? अति संवेदनशील, अति संवेदनशील अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए क्या है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। क्वेश्चन संख्या आपका सी सही होगा, बेचैन होने पर फटकार लगाना, ये राइट होगा। क्वेश्चन संख्या टेन, टेन क्वेश्चन दिया गया है आपका,
अलग अलग सोच वाले पर्यटन पर बच्चों को पहचान करते हैं, अलग अलग सोच वाले पर्यटन पर बच्चों की पहचान करते हैं क्या? अलग अलग सोच पर बच्चों की पहचान, बच्चों की पहचान कैसे किया जाता है? डिसलेप्सिया, प्रस्थायी, विकलांगता, सृजनात्मक। तो इसका क्वेश्चन राइट होगा बी, सृजनात्मक। सृजनात्मक गुण के माध्यम से अलग अलग बच्चों की पहचान की जाती है सोचों पर। क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता? देखिए, नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सी, जिसमें अभी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण वाले प्रश्नों को पूछना, ये क्वेश्चन आपका सी राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 में दिया गया है कि कौन सा एक संवेग है, आपको संवेग पहचानना है। संवेग इस क्वेश्चन में क्या होगा? संवेग में डर है, ध्यान है, स्मृति है, उत्तेजना है। तो इसका आंसर ये सही होगा जिसमें डर दिया गया है, डर संवेगना है। क्वेश्चन संख्या 13, 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है, स्पष्टीकरण बताइए। निम्नलिखित में कौन से बच्चे को समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसमें बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के साथ अनुभव आधारित है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये सही है, इसका अनुभव, अनुभव दूध बूथ पर खरीदना, ठीक है। तो इस पर ये जो है आधारित है। क्वेश्चन संख्या 14, 14 क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक के भूमिका का वर्णन, क्वेश्चन 15, शिक्षक की भूमिका का वर्णन कौन करता है? तो इसमें आराम के लिए जगह बनाना तथा बच्चों को संवाद और पूछताछ का माध्यम से सिखाना। देखें, ये सही होगा आपका क्वेश्चन सी, आराम तथा बच्चों से पूछ ताज माध्यम से सिखाना, ये अनुभव स्पष्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन 15 है, 15 अगले वीडियो में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समिति शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? कक्षा समिति को प्रोत्साहित
करता है। तो इसका आंसर होगा ए, इनका आंसर ये है। ये में दिया गया है कि कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, जिसमें खुली गतिविधियां, ठीक। इस तरह हम 2021 परीक्षा को देखते हुए सारे मॉडल क्वेश्चन पर वीडियो बनाएंगे और हल करते रहेंगे, और लास्ट वीडियो को इनको आपकी तैयारी के लिए बेहतर सुविधा है। आपके रिटर्न देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनते जाइए और देखते जाइए, लर्न होता रहेगा। तो इस तरह से अगली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं मनोविज्ञान का।